तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे सामने है यामा FZ V4 A5, और ये इसका डीलक्स वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन आता है। इसमें आपको 3 कलर मिलते हैं, ये एक मेटालिक ग्रे है और ये ब्लैक और बाकी रेड है। तो इसके जो आपको एक शोरूम प्राइस आपको पहले बता देता हूँ, तो हमारे जो ओडिशा में इसका एक शोरूम प्राइस है वो है 1,28,000। और बाकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, अभी आपको न्यू DRL मिलेगा और आपको और भी एक जो बड़ा सबसे फीचर मिलेगा जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल, बाकी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहले फ्रंट में देख लेते हैं। हाँ, और एक जो चीज़ मिलेगा आपको LED इंडिकेटर मिलेगा अभी आपको, और बाकी आपका जो डिस्प्ले है वो भी आपको डिजिटल अभी मिलेगा बड़ा साइज में। तो अभी नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको पहले चाबी ऑन करके दिखा लेता हूँ। तो अभी आप इसका DRL देख सकते हैं, बाकी पहले भी आपको LED हेडलाइट मिलता था, अभी मिलेगा। थोड़ा सा रिवाइज किया गया है जिससे कि लुक थोड़ा अच्छा है। बाकी ये वाला जो DRL मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले आपको इधर छोटा सा एक हैलोजन बल्ब मिलता था जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बाकी अभी चेंजेस हो चुका है। तो ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं, और इंडिकेटर भी आपको जला के दिखा देता हूँ। तो ये तो हो गया इंडिकेटर की बात। तो अभी नीचे आते हैं, तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और ये 43mm के है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको जो हैंडलिंग और उसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको ब्लू कलर के व्हील्स मिलेंगे और इसका जो साइज़ है वो 17 इंच, और टायर का साइज़ आपको 100 सेक्शन का मिल जाएगा, 100x80। अभी नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको 280 का डिस्क मिलेगा और बाइब्रेक ही है, ब्रेक्स वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अभी आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नेगेटिव में मिलेगा जैसे कि पहले आपको MT में मिलता था। और आप इधर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि इधर एक सबसे बड़ा फीचर्स आपको मिलता है जो है यामाहा का कनेक्ट ऐप, जिससे आप अपना जो प्रीवियस लोकेशन और आपका कितना गाड़ी चलेगा, डिस्टेंस टू MT वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, और बाकी मैप भी कनेक्ट करके आप इधर देख सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ पहले आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो ये हो गया ओडो और ट्रिप है, ट्रिप भी, और उसके बाद टाइम, उसके बाद एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद डिस्टेंस टू MT, और ये जो ऑन है ये TCS का है, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल, नॉट द TCS व्हाट यू थिंक। ओके, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है। मैं अभी आपको पीछे दिखा देता हूँ, और मैं जब पीछे से वीडियो बना के आऊँगा तो आपको एक ट्रैक्शन कंट्रोल का एक ओवरऑल नॉलेज दे दूँगा। तो ये हो गया क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। और इधर आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर, इधर फ्यूल का जो गैस, बाकी इधर टाइम मिलता है, और इधर न्यूट्रल का लाइट, और इधर आप देख सकते हैं ABS का, बाकी इंजन लाइट का भी आपको मिल जाता है। तो अभी आते हैं इंजन की तरफ, तो इसमें आपको मिलता है 150cc का एयर कूल्ड इंजन। ये एक SOSC सेटअप है जिसमें आपको 2 वाल्व मिलते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है 12.4 BHP और 13.3 Nm का टॉर्क, जो कि एनफ है आपको सिटी राइड करने के लिए। बाकी पावर थोड़ा कम है तो आपको उसी हिसाब से ज़्यादा माइलेज मिलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पावर की ज़रूरत है तो आप MT वगैरह भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरा है। मैं अभी आपको एक तरफ इस तरह पीछे आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पीछे आपको 220mm का डिस्क मिलता है, सिर्फ आपको डीलक्स वेरिएंट में मिलेगा डुअल चैनल ABS। बाकी आप इधर देख सकते हैं स्पीड सेंसर वगैरह तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको रेडियल टायर भी मिलता है जिसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको एक अच्छा बात, जो आपको रेडियल टायर मिलता है 140 सेक्शन का, और अगर आप कभी रेडियल टायर में राइड किए होंगे आपको पता होगा कितना ज़्यादा अच्छा ग्रिप मिलता है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। बाकी इसका साइज़ भी 17 इंच का है, 17 इंच 140 सेक्शन का टायर मिलता है और रेडियल का मिलता है। तो ये हो गया एग्जॉस्ट आप देख लो, मैं आपको लास्ट में एक ऐड कर दूंगा एग्जॉस्ट साउंड का क्लिप, आप उसे भी देख लेना। बाकी ये रहा जो डिस्क का ऑयल वगैरह। अभी पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं आपको LED टेल लाइट मिलता है जो कि MT जैसा है, बाकी आपको इंडिकेटर तो LED मिलते हैं। अभी आ जाते हैं इस तरफ, तो इस तरफ आप देख सकते हैं सारी गार्ड है, बाकी आपको रिफ्लेक्टर इधर मिल जाता है। और बाकी नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको बॉक्स स्विंगर मिलता है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो आपको जब भी स्लिपरी कोई सिचुएशन मिलेगा आप एकदम से थ्रॉटल देते हो तो पावर वो थोड़ा सा कट कर लेता है जिससे कि आपका बाइक स्टेबल रहे।
तो इधर आप देख सकते हैं आपको 5-speed का गियर बॉक्स मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लीक है और एक बार में लगता है, क्योंकि बता रहा हूँ मैं इसको बहुत बार चला चुका हूँ। अभी मेरे दोस्त का मैंने रिव्यू किया था ना, V3 उसके पास है। इंजन वाइज कोई भी चेंजेस नहीं है, तो सब कुछ सेम ही है। बाकी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल तो मिलता है ऊपर से। और एक जो सबसे बड़ा फीचर्स मैं आपको बताना भूल गया, ये बाइक जो है E20 कंप्लाइंट है। E20 मतलब यूरोप का मान लो एमिशन वगैरह है, जैसे कि हमारे इंडिया में BS6 वगैरह है। BS7 के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, और ये अभी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम जो पॉल्यूशन वगैरह करेगा। बाकी ये हो गया E20 फ्यूल। तो अभी आ जाते हैं सीट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं पीछे आपको बहुत ही अच्छा ग्रैब रेल मिलता है, जिससे कि आप अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। बाकी उतना ज़्यादा स्टेप अप नहीं है, तो आप अपना मम्मी वगैरह को अच्छे से बैठा के लेके जा सकते हो। बाकी थोड़ा सा स्टेप डाउन है, थोड़ा आपको स्प्लिट जैसा मिलता है पर स्प्लिट नहीं है। बाकी सीट हाइट है 790 mm, जो कि हर कैटेगरी के बंदे के लिए अच्छा है। बाकी टैंक आपको 13 लीटर का मिल जाएगा, जितने भी आपको इस रेंज में मिलते हैं उनसे थोड़ा 500 ml ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा अच्छा है, आपका टैंक रन ज़्यादा हो जाएगा। बाकी आपको ट्यूबुलर हैंडल बार मिलता है, और हैंडल बार का जो पोजीशन है वो एकदम अपराइट है, तो आप पूरा सीधा बैठते हो, तो आपका कोई भी थकान वगैरह इतना जल्दी नहीं होता है। बाकी इधर आप देख सकते हैं आपको अपर डिपर और बाकी पास इसी में मिल जाता है। बाकी ये हो गया इंडिकेटर, और नीचे आपको हॉर्न, तो आप देख सकते हैं हॉर्न। बाकी इधर हो गया इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्टर बटन, और जो लीवर वगैरह की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इधर देख सकते हैं। बाकी इंडिकेटर वगैरह भी अच्छा है, आपको पता होगा यामाहा की जो फिट एंड फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा होते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल। बाकी इसका वेट भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि 136 बहुत ही ज़्यादा कम है। ये अपना सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट गाड़ी है, तो वही भी आपको चाहिए कि आप सिटी राइड में जब भी आप चलाओगे तो आपको कोई भी वेट नहीं फील होगा। बाकी सब कुछ तो हो गया, तो अभी एक बार आपको जो एग्जॉस्ट का साउंड सुना लेता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दो। आपको कुछ क्वारी रहेगा तो इस बाइक के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जो शोरूम का लोकेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, तो ये अपना जो शोरूम है वो है हिंदुस्तान व्हील्स, जो कि अपना पोटिया स्क्वायर में है। मैं आपको पूरा गूगल का लोकेशन वगैरह सब कुछ दे दूँगा, आप देख सकते हैं सारी बाइक अवेलेबल है। और इधर V3 FG250 X FGX वगैरह, उसमें भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जो अपडेट आया था, तो सारी बाइक अवेलेबल है, तो आप इधर आके देख सकते हैं। बाकी अपना बात करके अपना सब कुछ देख सकते हैं। बाकी उधर आप देख सकते हैं एयरक्स 150 बाइक का जो मॉन्स्टर ऑडिशन भी है, तो सारी बाइक अवेलेबल है, आप इधर आके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।